बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10A। वेरी इजी चैप्टर अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इज एन साइंटिस्ट जिसने एक थ्योरम बनाया था और हम इस चैप्टर में जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। Today we will do questions of basic level. Let's start, students. Now, students, question number 1. Find the value of the unknown in each of the following right angle triangle. हमने इधर unknown की value find out करनी है इस right angle triangle. ठीक है, अब Pythagoras theorem है क्या? Pythagoras theorem है a square plus b square is equal to c square. ठीक है, it means के Pythagoras theorem है दो sides का sum is equal to the थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड कौन सी होनी चाहिए? थर्ड साइड जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज विच इज़ ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक, एक इस थ्योरम की ये भी जो है ना वो कह ले कंडीशन है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे जो है ना वो अप्लाई होगा। वो फिर बेशक छोटी हो बड़ी हो राइट ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल के लिए ये नेसेसरी है, ये मस्ट है कि उसने जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल उसको होना चाहिए। ठीक, और ये हाइपोटेन्यूज जो है ना ये इसके ऑपोजिट है। ठीक, इन इसके जो है ना वो सम के जो है ना वो इक्वल, इन दोनों साइड्स के जो है ना वो सम की इक्वल है। हम इधर ही इस थ्योरम के अंदर ही अपनी ये वैल्यूज राइट डाउन करेंगे और जो हमें साइड नहीं प्रोवाइड की गई वो जो है ना वो हम इधर जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज जो है ना वो उसके इक्वल है। आप इसको जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो है ना वो परपेंडिकुलर का स्केयर बेस का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। ठीक है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के स्केयर का जो सम है वो हाइपोटेन्यूज के जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, ये भी हो गया। अब जो है ना हम इसमें अपनी वैल्यूज राइट डाउन करेंगे और इसको जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इधर जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरे पास है ए, ये ए का स्केयर हो गया। ये एक परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 20 स्केयर प्लस 21, बेस है 21। ठीक है, इनके जो है ना वो आप स्केयर्स ले लें और उसके बाद जो है ना इसको सॉल्व कर लें। इसका आएगा 400। ठीक है, 20 का आपने स्केयर लिया आपके पास 400 आया और 21 का स्केयर लिया यू गेट 411। ठीक, और 411 प्लस 400 यू गेट 841। ठीक है, ये ए स्केयर आ गया। ठीक है, इसका अब आपने ले लेना है अंडर रूट। ठीक स्टूडेंट्स, अंडर रूट आंसर एंड यू गेट 29। ठीक, अंडर रूट आपने लिया टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स और ये आपके पास आ गया 29 आंसर। ठीक है, आपने मेंशन करना है क्योंकि ट्रायंगल जो है ना आपको पता है जब अंडर रूट हम लेते हैं तो हमारी प्लस माइनस में जो है ना वो वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो ट्रायंगल है ना इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। इट्स मींस के ए जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, इस वजह से सिर्फ हम जो है ना इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, और यही आंसर है इसका और जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गया ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट, सेम जो है ना वो हमने ये हाइपोटेन्यूज का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस और प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर और ये इधर आप बेस कर लें, ये 12 का स्केयर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, 12 आपने लिख लिया और ये 36 है। ठीक है, 12 का जो स्केयर है वो आता है 144 जी। स्टूडेंट्स, ये इधर वैल्यू जो है ना ये 35 है और 35 का आपने स्केयर लिया तो आपके पास आया 1225। ये बे हाइपोटेन्यूस आपके पास बी है, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया तो आपके पास आया 1369 और फिर इसका अंडर रूट ले लें, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका अंडर रूट लिया तो बी आपके पास आया 37। ठीक है, बी जो है ना ये आप इसको मेंशन कर लें, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन ज़ीरो है तो
क्योंकि नेगेटिव में ये ट्राइंगल नहीं होती. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व्ड. स्टूडेंट्स सी पार्ट, हाइपोटेनस का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर. ठीक है, इसको जो है ना वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर. ठीक है, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. ठीक है, सी की वैल्यू इधर ये सी ही है हाइपोटेन्यूज. ठीक, ए जो है वो आप कोई भी परपेंडिकुलर, ये 12 का स्केयर और बेस है आपके पास 10 का स्केयर. ठीक है, सी आ गया आपके पास 144, बेस आ गई आपके पास 100, इसको आपने प्लस किया तो आपके पास आ गया 244. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आ गया आपके पास जो है ना 244 आ गया, और अब आप इसका जो है ना 244 का अंडर रूट 244 का आपने अंडर रूट लिया. ठीक, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो आपके पास ये जो वैल्यू है ना ये पॉइंट्स में आ रही है, आपके पास आया 15.6. ठीक है, दिस इज आल्सो आंसर. C is greater than 0 because triangle is not, triangle value is not in zeros. ठीक, ये आपके पास जो है ना ये 7 सेंटीमीटर्स में आप इधर राइट डाउन करेंगे 15.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया. सेम ये इधर आपके पास ये हाइपोटेन्यूस ये वाली लाइन है. ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्केयर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के इक्वल. ठीक है, ये डी पार्ट स्टार्ट हो गया, सी पार्ट, उसके बाद ये बी पार्ट. ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है डी का स्केयर और ये परपेंडिकुलर 29 स्केयर और बेस है 23 स्केयर. ठीक है, 29 का आपने स्केयर लिया, यू गेट 841, और फिर 23 का स्केयर लिया 529. ठीक है, 841 यू गेट 1370. ठीक, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट लिया तो आपके पास आया डी की वैल्यू 37.01. ठीक है, डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो. ठीक स्टूडेंट्स, और यही आंसर है आपके पार्ट नंबर डी का. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल. अब जो है ना हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो है ना जो इसमें अननोन हमें प्रोवाइड है उनकी जो है ना वो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक स्टूडेंट्स, ये अब देखें, ये अगर अब हम ट्राइंगल को देखें ना तो ये हमारा जो है ना वो हाइपोटेन्यूस बन रहा है. ठीक है, फॉर्मूला था हमारा कि हाइपोटेन्यूस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस के स्केयर के सम के इक्वल है. ठीक है, ये जो है ना अब हमारा हाइपोटेन्यूस बन रहा है और ये हमारी बेस. ठीक, हाइपोटेन्यूस की आपने इधर वैल्यू राइट डाउन कर दी 39 की स्केयर, परपेंडिकुलर आपके पास 15 का स्केयर और बेस जो है ना वो ए है. ठीक है, इट्स मीन्स कि ए की जो है ना वो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये आप ए स्केयर इस तरफ ले आए और ये ए स्केयर इस ये 15 का जो स्केयर है ना वो आप इस साइड पे ले आए, इसको 39 स्केयर माइनस 15 स्केयर. ठीक है, या ऐसे भी आप कर सकते हैं बोथ साइड्स पे जो है ना वो माइनस कर दें माइनस 15 स्केयर को. ठीक है, आपने माइनस किया करेंगे तो जो है ना वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक स्टूडेंट्स, ये अब इधर आ गया 39 स्केयर, यू गेट 1521 और फिर 15 स्केयर और यू गेट 225. ठीक है, अब ये माइनस कर दे 1521 माइनस 225 यू गेट 1296. ठीक है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स. ठीक, अंडर रूट आपने लिया तो आपके पास आंसर आया 36, ए इज इक्वल टू 36. ठीक है, साथ ये आपको मीटर्स में प्रोवाइडेड है, इधर आप मीटर लगा दें और ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बिकॉज ट्राइंगल्स वैल्यूज़ आर नॉट इन ज़ीरो. और आपको पता है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है
वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आती है। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हम इधर पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स वैल्यूज इज़ नॉट इन ज़ीरो, ठीक, इज़ नॉट इन ज़ीरो कि इज़ नॉट लेस देन, इज़ नॉट इन नेगेटिव, ट्राइंगल्स वैल्यूज़ आर नॉट इन नेगेटिव, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया ए पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ये, इसके सामने आ रही है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसके सामने आ रही है। इट्स मीन्स कि ये जो है ना, ये 19 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको प्रोवाइडेड है 14 स्क्वायर, और बेस जो है ना वो बी है। बेस की जो है ना वो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 19 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया 19 की जो है ना वो आप स्क्वायर लिया, आपके पास आया 361, और 14 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आया 196, ठीक है, 361 माइनस 196 गेट 165, ठीक है। ये टेकिंग अंडर रूट्स बोथ साइड्स, बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अंडर रूट 165, ठीक है, तो आपके पास आंसर आया, बी आया 12.8, ठीक। मीटर से आपके पास इधर यूनिट, इधर मीटर लगाई, ये आपका आंसर, ठीक स्टूडेंट्स। बी पार्ट इज नाउ सॉल्व्ड। सी पार्ट स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है। आप ये जो है ना, हाइपोटेन्यूज जो है ना, ये इधर आपको प्रोवाइडेड है, ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसकी ऑपोजिट साइड जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 9.8 का स्क्वायर, ठीक, परपेंडिकुलर है आपके पास ये वाली साइड, ये आपके पास आ गई 6.5 का स्क्वायर, और बेस अननोन, जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है सी स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया, अब जो है ना सी स्क्वायर 9.8 स्क्वायर में जो है ना माइनस कर दें 6.5 स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर 9.8 का आपने स्क्वायर लिया, आपके पास वैल्यू है 9.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 96.04, ठीक है। सेम 6.5 का आपने स्केयर लिया तो आपके पास आया 42.25, ठीक है, ये आपके पास आया 42.25। अब इसको माइनस कर दें, 96.04 माइनस 42.25 आपके पास आया 53.79। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, अंडर रूट लिया आपने इसका तो आपके पास आया आंसर सी इज इक्वल टू 7.33, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपके पास आंसर आ गया, और ये आपको मीटर्स में इधर यूनिट, तो आप इधर मीटर लगा दें, दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी, सेम फार्मूला उसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है ना वो ऑपोजिट है राइट एंगल ट्राइंगल के, ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज 24.7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास डी स्क्वायर, और बेस है आपके पास 14.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब जो है ना, ये आपने डी स्केयर्स में से जो है ना इसको माइनस कर देना है, 24.7 माइनस 14.5 स्केयर्स, ठीक है, ये आप स्केयर्स ले लें, 24.7 स्केयर गेट 610, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया 09 माइनस 14.5 का स्केयर लिया तो आपके पास आया 210 माइनस 25, ठीक है, 610 माइनस 09 से आप माइनस कर दें 210.25,
तो आपके पास आया 399। ठीक, बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर का काम है सारा। ठीक है, बस ये फार्मूला अप्लाई करना और साइड्स फाइंड आउट कर लेनी है। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, ये अंडर रूट आंसर। तो आपके पास आया इसका आंसर 19.99। ठीक है, इसको आप 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ करके जो है ना, या आप इसको 20 लिख लें, क्योंकि आगे भी 99 है इस वजह से। ठीक है, तो डी आपके पास आ गया 20.0। ठीक है, ये लिख लें, और यही जो है ना आपका आंसर है, मीटर से सर यूनिट मीटर है, मीटर लिख लें, मेंशन कर दें डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर अब उन्होंने ना ट्राइंगल की कोई शेप नहीं दी हुई, लेकिन उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो बता दी हुई है। ठीक है, बेशक जो है ना वो आप थोड़ा सा इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ड्रॉ कर लें। देखिए, उन्होंने कहा जो एंगल बी है ना वो 90 है। ठीक है, ये इधर आ गया बी, ये 90 है, फिर ये आप इसको बोल रहे हैं, इसको जो मर्जी जिसको मर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, इट डजंट मैटर, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया, ये हो गया ए सी जो है ना वो हमने ये वाली लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। बी सी भी आपको प्रोवाइडेड है और जो है ना ए बी भी जो है ना वो आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इससे जो है ना वो आपने फाइंड आउट कर लेना है ए सी की लेंथ। आपको पता है कि ए सी ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्केयर किसके इक्वल है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये ए सी है आपके पास अननोन, फाइंड आउट करना आपने। ए बी है आपको प्रोवाइड किया गया हुआ 8 का स्केयर, बी सी है 15, 8 8 64, और 15 का जो स्केयर होता है वो होता है 225। इन दोनों को आपने प्लस किया तो आपके पास आ गया 289, ये ए सी स्केयर। ठीक है, अब जो है ना आप इसका जो है ना वो अंडर रूट ले लें, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, अंडर रूट 289, यू गेट 17। ठीक है, ये जो है ना आपका 17 आंसर आ गया, और ये जो लाइन है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस वजह से हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसी 19 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने अपनी लेंथ फाइंड आउट कर ली, और दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल डी ई एफ इज राइट एंगल्ड एट ई विद डी ई इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू 5.5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डी एफ। अब इधर हमने लेंथ डी एफ की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक ट्राइंगल वो बता रहे हैं जो ई जो है ना उधर जो है ना वो राइट एंगल है। ठीक है, ये ई हो गया, इसको डी कर लें, इसको एफ कर लें। ठीक है, इससे जो है ना ये थोड़ी सी आप अगर साथ ड्रॉ कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइज करने में जो है ना वो आसानी हो जाएगी कि हमारी कौन सी लेंथ जो है ना वो क्या है। ठीक है, अब आगे जो है ना वो आपने ये फ्रंट के डी एफ जो है ना उसका स्केयर इक्वल है डी ई के, ठीक है, प्लस ई एफ के स्केयर के। ठीक है, डी एफ का स्केयर, ठीक है, डी ई इधर क्या है 6.7 और ई एफ है 5.5 का स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना डी एफ का स्केयर, 6.7 का आप स्केयर ले लें, तो 6.7 स्केयर यू गेट 44.89 और 5.5 का स्केयर आया 30.25। दोनों को अब आपने कर लेना है ऐड, ऐड करके आपके पास वैल्यू आई 75.14। ये वैल्यू आई टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स।
अंडर रूट आपने लिया, ठीक है। इधर मेंशन कर देंगे सिंस df जो है ना वो ग्रेटर देन जो है ना वो ज़ीरो है, इस वजह से जो है ना जो df की वैल्यू आएगी वो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। फिर df आपके पास आया 8.67, ये अंडर रूट लेके जो है ना इसकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हम इधर मीटर्स में प्रोवाइडेड है, हम इधर आंसर में भी जो है ना वो मीटर लगा देंगे, ठीक स्टूडेंट्स। ये सब कैलकुलेटर से करने वाला है, ठीक है। और ये इजीली हमने जो है ना वो डी एफ की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर ली। नाउ इट्स सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल जी एच आई, जी एच इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, जी आई इज इक्वल टू 65 एंड एंगल एच इज 90, फाइंड द लेंथ ऑफ एच आई, ठीक है। अब एक ट्राइंगल है जिसका जो है ना वो एच पे जो है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है। एक जी है और एक आई है, दो साइड्स आपको प्रोवाइडेड हैं, जी एच प्रोवाइडेड है और जी आई प्रोवाइडेड है, ठीक है। जी आई ये प्रोवाइडेड है और ये प्रोवाइडेड है। इधर हमने अब जो है ना वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये राइट एंगल के सामने जो है ना ये हमारी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके परपेंडिकुलर के स्केयर के सम ऑफ बेस और परपेंडिकुलर के, ठीक है। एच आई हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या आप अपनी इधर वैल्यूज राइट डाउन कर लें या इनको ज़रा अरेंज कर लें। एच आई फाइंड आउट करना है तो एच आई ये इस साइड पे गई तो ये जो है ना ये माइनस हो जाएगी, जी आई स्केयर माइनस जी एच स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जी आई की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है 65 स्केयर, जी एच भी प्रोवाइडेड है हमें 33 स्केयर, ठीक है। ये हो गया एच आई की हमने जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अब आप इन दोनों के 65 का भी स्केयर ले लें, 65 का आपने स्केयर लें तो आपके पास आता है 4225, और 33 का आप स्केयर लें तो आपके पास आता है 1089, ठीक स्टूडेंट्स। ये एच आई ये आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आया 3136, ठीक। बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स अब आपने इनका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। इसने इसको कैंसिल किया और उसके बाद एच आई की वैल्यू आएगी आपके पास। मेंशन करें कि एच आई जो है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। ये आपने इसको सॉल्व किया, इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 56, और इधर यूनिट यूज़ हो रही है सेंटीमीटर्स, आप यूज़ करेंगे सेंटीमीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल MNO इज राइट एंगल एट N, N पे जी राइट एंगल ट्राइंगल है विद NO 11 एंड MO 14.2, फाइंड द लेंथ ऑफ MN। अब हमने जो है ना लेंथ फाइंड आउट करनी है MN की, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एन जो है ना वो राइट एंगल है, ये एम और ओ, ठीक है। ये एम ओ जो है 14.2, एन ओ जो है वो 11, और एम एन जो है ना वो आपने जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एम एन जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना आपने ये आपको पता ही है आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है ना इन दोनों के सम के स्केयर के इक्वल है, ठीक है। एम एन स्केयर प्लस एन ओ स्केयर, ठीक स्टूडेंट्स। ये एम एन स्केयर एम एन हमने फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये जो है ना एम ओ स्केयर माइनस एन ओ स्केयर, ठीक है। एम ओ की वैल्यू प्रोवाइडेड 14.2 का स्केयर और एन ओ की 11 का स्केयर, ठीक स्टूडेंट्स। 14.2 स्केयर जो है ना वो हमारे पास आया 201.64 और 11 का स्केयर 121 स्केयर, ठीक है। इसको इसमें से माइनस किया तो आपके पास आया 80.64,
80.64 आए, इसका जो है ना वो आपने अंडर रूट ले लेना बोथ साइड्स पे, ठीक है। जब आपने अंडर रूट लिया तो आपके पास वैल्यू आई 8.98 और यूनिट मीटर्स यूज हो रहा है, तो आप जो है ना इसके साथ जो है ना वो मीटर्स लगा लेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। और ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ना वो सॉल्व हो गया, और हम पॉजिटिव वैल्यू इसलिए ली क्योंकि mn जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फिगर ट्राइंगल, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फिगर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो एंगल्स हैं, ये PQS एक ये एंगल और QSR, हाँ जी एक ये एंगल और ये एंगल जो है ना, इन्होंने बताया कि ये जो दोनों है ना 90 के इक्वल के हैं, और हमें चीज़ें प्रोवाइडेड हैं PQ 45 के, QR जो है ये 30 के और PS 53 सेंटीमीटर के, और हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है QS की दिस लेंथ और SR की, ये दो लेंथ जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स देखें कंबाइन हुई है, ये ट्राइंगल्स ही, ठीक है, कोई शेप डिफरेंट नहीं है। अब अगर हमने ये फाइंड करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर देखें ये हमने QS फाइंड आउट करनी है, आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक पूरी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और दो साइड्स आपको प्रोवाइडेड हैं, थर्ड वन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यही इसका यूज़ है, मेन यूज़ है कि इस तरह आपको फिगर्स प्रोवाइडेड होंगे जिसमें से जो है ना आपने फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली थर्ड वन। ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये पी एस का आपने स्केयर जो है ना ये किसके इक्वल है, पी क्यू के स्केयर के इक्वल और प्लस क्यू एस के स्केयर के इक्वल, ठीक है। फाइंड आपने करना है क्यू एस, ठीक, ये आपकी वैल्यूज ऐसे आ गई, क्यू एस ये इधर आ गया पी एस का स्केयर माइनस पी क्यू का स्केयर, ठीक है। पी एस है आपके पास 53 का स्केयर और पी क्यू है आपके पास 45 का स्केयर, ठीक है। ये क्यू एस का जो है ना ये स्केयर है, ठीक है, ये क्यू एस स्केयर 53 का अगर आप स्केयर लेना तो आपके पास वैल्यू आती है 2809 और 45 के स्केयर की आपके पास आती है 2025, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आपने माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 784, ठीक है, क्यू एस स्केयर, ठीक है। बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट आपने लिया तो फिर आपके पास क्यू एस आ गया 28 सेंटीमीटर का यूनिट इधर यूज़ हुई, आपने इधर सेंटीमीटर यूज़ कर दिया और हमने पॉजिटिव वैल्यू ली क्योंकि क्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए, अब जो है ना हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमने ये एस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम देखें तो अब इस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल को अब हमने नोटिस करना है, ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है और ये दोनों साइड, ये पहले हमें नहीं थी प्रोवाइडेड लेकिन ये हमने क्यू एस भी फाइंड आउट कर ली, ये भी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो अब जो है ना हमने इस ये वाली वैल्यू जो है ना उसको फाइंड कर लेना है, ठीक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर टू में हमने एस आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये जो है ना ये राइट एंगल के सामने ट्राइंगल के एंगल के ये क्यू आर का स्केयर है क्यू एस स्केयर प्लस एस आर स्केयर के इक्वल, ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल है और क्यू एस की वैल्यू जो है आपको पता है फाइंड आउट कर चुके हैं 28 स्केयर और एस आर आपने फाइंड आउट करनी है, क्यू आर भी आपको प्रोवाइडेड है 30, ठीक, ये एस आर 30 स्केयर माइनस 28 स्केयर, ठीक है। 30 का आपने स्केयर ले तो आपके पास 900 आता है और 28 का स्केयर लें तो आपके पास आता है माइनस 784, ठीक है, ये देख लें ये पहले भी हमने किया, ठीक है, ये आ गया, ये आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 116।
अब आपने इसका अंडर रूट ले लेना बोथ साइड पे, ठीक है, बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड. एफ आर की वैल्यू आई आपके पास 10.8 और ये आप लगा देंगे सेंटीमीटर, और एस आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इस वजह से हमने इसकी अंडर रूट की पॉजिटिव वैल्यू ली. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो सॉल्व्ड. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर शोज एन आइसोसेलस ट्राइंगल टी यू वी वेयर टी यू एंड टी वी इज इक्वल टू 9.6 मीटर एंड यू वी इज इक्वल टू 15.4 मीटर, फाइंड द हाइट टी एच ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक स्टूडेंट्स, ये आपको एक फिगर प्रोवाइड की गई है जिसमें जो है ना ये आइसोसेलस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये 9.6 है तो ये भी 9.6 है, और यू वी ये पूरी जो है ना वो आपको जो है ना वो प्रोवाइड की गई हुई है 15.4. आपने फाइंड क्या करना है, ये टी एच, ठीक है. स्टूडेंट्स, टी एच फाइंड आउट करने के लिए आपको दो साइड्स की जो है ना वो मालूम होनी चाहिए लेंथ. ये आपको पता है ये 9.6 है, लेकिन ये तो डबल है पूरी की है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट्स मीन्स कि इसको आप जो है ना 15.4 को जो है ना वो 2 पे डिवाइड कर देंगे. टी ये पूरी वैल्यू जो है ना ये है यू वी, ठीक है, ये यू वी जो है ना ये इसका प्लस है यू एच प्लस एच वी, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ठीक है. यू वी क्योंकि मिडल से कट कर रही है, वो आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसकी बोथ साइड्स इक्वल है, ठीक है. इट्स मीन्स कि ये जो है ना ये डबल हो गया 2UH और UV, ठीक स्टूडेंट्स. और अगर UV की आपको वैल्यू फाइंड आउट है 15.4, तो ये जो है ना ये 2 इधर डिवाइड होगा और UH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है. ये 2 इसको डिवाइड करेगा और UH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. 15.4 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 7.7, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7.7 मीटर्स आ गया UH, ठीक. और वैसे भी अंडरस्टूड कि ये पूरी की ये है तो इसको हम हाफ पे 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसका हम हाफ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और ये इस तरह भी करके, ठीक. नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है ये TH आपका अपना, आपको पता है बाय पाइथागोरस ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर, ठीक है. पाइथागोरस है 9.6 स्केयर, टी एच टी यू जो है ना वो 7.7 स्केयर, और टी एच जो है ना वो आपने स्केयर फाइंड आउट करना है, ठीक है. टी एच स्केयर ये इस तरफ क्या माइनस होगा 9.9 स्केयर माइनस 7.7 का स्केयर, ठीक है. ये आप ले लें 9.6 स्केयर, वी गेट 92.16 माइनस 7.7 स्केयर्स वी गेट 59.29, ठीक है. इसको आपने माइनस किया, आपके पास आया 92.16 माइनस 59.29, माइनस करके आया 32.87, ठीक है. ये टी एच का स्केयर आप जो है ना इसका अंडर रूट ले लेना बोथ साइड्स पे, ठीक है. टी एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो क्योंकि ट्राइंगल की वैल्यू इज़ नेवर इन नेगेटिव, और ये हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 5.73, ठीक है. टी एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.73, और ये मीटर्स यूनिट है, हमने जो मीटर्स लगाया, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ठीक स्टूडेंट्स,
Now students, question number 8 is also solved and all the questions of basic level are solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah.